आज की रात सब जश्न मनाने वाले हैं, सब अपने चाहने वालों के साथ 2023 का वेलकम करेंगे। आज की रात हर कोई अपनों के साथ होगा। इस रात को खास तरीके से अलविदा कहकर कल की सुबह का वेलकम किया जाएगा और 2023 का वेलकम के लिए हर कोई एक्साइटेड है, हंस रहे हैं, पार्टियां कर रहे हैं, तो वहीं अरुणिता कांचीलाल रो रही हैं, उदास हैं और तो और उनका दिल भी बैठा जा रहा है क्योंकि उनके साथ कोई नहीं है। जी हाँ, अरुणिता कांचीलाल आज की रात को बहुत मिस करने वाली है क्योंकि वो जिसके साथ आज की रात पार्टी करने वाली थी वो कहीं और पार्टी करने जा रहे हैं। जी हाँ, अरुणिता पवनदीप की बात कर रहे हैं। अरुणिता पवनदीप के संग आज की रात पार्टी में शामिल होने वाली थी लेकिन पवनदीप तो इंडियन आइडल के मंच पर ऑडियंस और बड़े बड़े स्टार्स के साथ न्यू ईयर पार्टी सेलिब्रेशन करने जा रहे हैं। पवनदीप कल अरुणिता के साथ ना होकर इंडियन आइडल के मंच पर दिखाई देंगे। कल न्यू ईयर पर ज्यादातर कपल साथ होंगे लेकिन पवनदीप अरुणिता अलग होंगे। शायद इंडियन आइडल वाले अरुणिता को बुलाते तो पवनदीप अरुणिता इस खास मौके पर अलग नहीं दिखते। पवन को इंडियन आइडल की सक्सेस पार्टी में शामिल किया गया लेकिन अरुणिता से पूछा भी नहीं गया। इस पार्टी में एक से एक दिग्गज स्टार दिखाई देंगे। राहुल वैद्या होंगे, ध्वनि भी होंगी और भी कई बड़े बड़े सिंगर दिखाई देंगे। इनके बीच पवनदीप हंसते गाते दिखाई देंगे। पवनदीप ने लाइव आकर इस सक्सेस पार्टी की पूरी डिटेल भी दी है लेकिन अरुणिता नहीं होंगी। कहीं ना कहीं पवनदीप भी इस दिन पर अरुणिता को बहुत मिस करने वाले और अरुणिता तो उदास होंगी। वेल, आप इस बारे में क्या कहेंगे? क्या वजह हो सकती है जो अरुणिता को इस पार्टी में बुलाया नहीं गया? पवन अरुणिता कांचीलाल का एक शो कैंसिल हो गया और दूसरा शो मिल गया। जी हाँ, 14 जनवरी को पवन अरुणिता वेस्ट बंगाल के लिए निकलने वाले हैं। वेस्ट बंगाल के नदिया जिले के कल्याणी में पवन अरुणिता का कल्चरल शो है। यहाँ पवन अरुणिता के हजारों फैंस इकट्ठा होंगे और इस शो से जुड़े पोस्टर भी खूब देखे जा रहे हैं। पोस्टर में पवन अरुणिता कई सिंगर्स के संग दिखाई दे रहे हैं। पवन अरुणिता का ये शो बड़े लेवल पर होने वाला है। शो के लिए फैंस और पवन अरुणिता काफी ज्यादा एक्साइटेड और तैयारियां भी जोरों शोरों से चल रही हैं। इस शो के अलावा पवन अरुणिता के कुछ दिलचस्प पिक्चर्स भी देखे जा रहे हैं। जो इस शो से जुड़े पोस्टर वायरल हो रहे हैं उन पोस्टर्स में पवन अरुणिता का बंगाली भाषा के साथ स्वागत किया जा रहा है। एक पोस्टर में पवन अरुणिता सोफे पर गिटार के संग बैठकर अरुणिता को देखे जा रहे हैं। अरुणिता भी ना जाने पवन से क्या बातें कर रही है कि उन्हें हंसी भी खूब आ रही है। अरुणिता हाथ में कागज लिए पवन को पोज दे रही है, ठहाके मारते हुए पवन को वो कागज दिखा रही है। इनके अलावा पवनदीप के वो पिक्चर्स भी वायरल हो रहे हैं जो इस बात का सबूत है कि पवन अब किसी धमाकेदार प्रोजेक्ट में नजर आने वाले हैं। पवनदीप वैनिटी वैन में बैठे नजर आ रहे हैं। मेकअप रूम में पवनदीप अपने टीम के लोगों के साथ बैठे नजर आ रहे हैं। इससे पता चला है कि पवनदीप किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं और बहुत जल्द पवनदीप इसका खुलासा करने वाले हैं। पवन के संग अरुणिता के कुछ और भी पिक्चर्स वायरल हो रहे हैं जिसमें पवन अरुणिता उत्तराखंड में भी नजर आ रहे हैं। अपने दोस्तों के संग पवन अरुणिता ने पोज दिए और पवन अरुणिता पहाड़ों पर जाकर खूब एंजॉय करते दिखाई दिए। ये सारी पिक्चर्स पवन अरुणिता की खूब वायरल हो रही हैं। वेल, आप पवन अरुणिता के लिए क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। पवन अरुणिता की एक वीडियो ने सुबह सुबह दिन बना दिया और इस वीडियो को देखने के बाद एक बात भी बोली जा रही है, वो ये है कि पवन अरुणिता आखिर कब तक वीडियो में ही अपना प्यार रोमांस दिखाते रहोगे? कभी तो सामने आकर प्यार दिखा दो, कभी तो कबूल कर लो कि आप एक दूसरे के लिए ही बने हो। जी हाँ, कुछ ऐसे ही कॉमेंट्स मिल रहे हैं इन वीडियो पर। इस वीडियो को देखने के बाद आप भी कुछ ऐसे ही कॉम्प्लीमेंट भी देने वाले हैं। दरअसल वायरल वीडियो में पवन अरुणिता और इनकी पूरी टीम किसी इवेंट में जाते हैं। वीडियो पुराना है या फिर नया भी इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है लेकिन कहा जा रहा है कि ये वीडियो अहमदाबाद के शो के दौरान का है जहां सुबह साउंड चेक करवाने के लिए सब इकट्ठा होते हैं। पवन मंच के नीचे होते हैं और अरुणिता मंच की सीढ़ियों पर खड़ी होती हैं। तभी सूरज सर इन दोनों को वापस मंच पर किसी काम के लिए बुलाते हैं। अरुणिता जब तक पीछे मुड़कर मंच पर खड़े होकर इन्हें देखती है और तब तक पवन अरुणिता के पास आ जाते हैं और उनका हाथ पकड़कर उन्हें साथ लेकर मंच पर चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। पवन का ये लविंग किस्सा कैमरे में कैद कर लिया गया क्योंकि यहाँ तो भाई किसी का हाथ पकड़ने की जरूरत तो नहीं थी। पवन को अरुणिता का हाथ किस लिए पकड़ना पड़ गया और वो भी वो हाथ पकड़कर मंच पर चढ़ते दिखाई दे रहे हैं। अरुणिता पिंक कलर का स्वेटर पहने और पवनदीप हाफ टी शर्ट में और पवनदीप अरुणिता का हाथ पकड़कर मंच पर चढ़ते दिखाई दे रहे हैं। और फिर अरुणिता तो मंच पर जा ही रही होती है कि तब तक पवन उनके पास आ जाते हैं और दोनों साथ में ही चढ़ते हैं। वैसे तो पवन को लड़कियों से बात करने में हिचक होती है
दिया, लेकिन अरुणिता का हाथ पकड़ने में और उनसे घंटों बात करने में टाइम बिताने में उन्हें बिल्कुल हिचक नहीं होती है। वैसे इनका रिश्ता प्यार का है कि नहीं है, लेकिन दोस्ती का रिश्ता बहुत मजबूत है और बहुत कमाल का है। आप इस वीडियो को देखकर क्या कहना चाहेंगे कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। पवनदीप असम के लिए रवाना होने वाले हैं। पवनदीप असम के प्रोजेक्ट के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। 27 दिसंबर को पवनदीप का असम में बड़े लेवल पर शो होने वाला है। पवनदीप ही नहीं बल्कि अरुणिता भी असम के शिव सागर में परफॉर्मेंस के लिए निकलने वाले हैं। शो की जानकारी देने के लिए पवनदीप लाइव आए। उन्होंने बताया कि असम की जनता तैयार हो जाए उनके बीच एंटरटेनमेंट करने के लिए। पवनदीप ने अपना ही नहीं बल्कि अरुणिता का भी इंट्रो दिया। जी हां, पहली बार पवनदीप ने अपना और अरुणिता का नाम एक पास जोड़कर खास तरीके से इंट्रो दिया। अब पवनदीप ने भी अपने और अरुणिता के रिश्ते को स्वीकार कर लिया है। पवनदीप ने सबके सामने अपना और अरुणिता का नाम एक में जोड़कर अरुदीप कहा उन्होंने कि अरुदीप आप लोगों के बीच एंटरटेनमेंट करने आ रहे हैं। पवनदीप ने कहा हमारी कोशिश रहेगी कि हम आपके पसंदीदा गाने गाकर खुश करें। वहीं आपको बता दें पवनदीप अरुणिता 27-28 दिसंबर तक भारत में लगातार प्रोग्राम करने वाले हैं। उसके बाद नया साल आ जाएगा, अब देखना होगा नए साल पर पवन अरुणिता कहाँ होंगे। वैसे तो कहा जा रहा है कि पवन अरुणिता नए साल पर विदेश में हो सकते हैं। इस बार उनका न्यू ईयर सेलिब्रेशन खास तरीके से मनाया जाएगा। आप इन्हें इस बारे में क्या राय देना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। पवन अरुणिता को अलग करने की कोशिश की जा रही है। जानबूझकर इन्हें ऐसे ऑफर दिए जा रहे हैं जिससे दोनों अलग अलग हो जाएं। अरुणिता कांचीलाल के साथ फिर से बेरुखी की जा रही है। सुपरस्टार सिंगर 2 के मेकर्स तो कई बार पवन अरुणिता के साथ गंदा बर्ताव कर चुके हैं। शो में बाकी सभी कैप्टन को एक एक बार ऑफर मिला था, लेकिन अरुणिता कांचीलाल को सबसे आखिर में और एक बार ही कैप्टन बनने का ऑफर मिला था। और इससे पहले इंडियन आइडल के मंच पर भी अरुणिता के साथ कई बार ऐसी ही भेदभाव किया गया था। अब फिर से कुछ ऐसा ही गंदा बर्ताव अरुणिता के साथ किया गया जिसे सुनकर और देखकर अरुणिता के फैंस का खून खौल जाएगा। दरअसल पवनदीप को इंडियन आइडल के मंच पर सक्सेस पार्टी में बुलाया गया जबकि अरुणिता को घास भी नहीं डाली गई है। और अरुणिता के फैंस अच्छी तरह से जानते कि पवन अरुणिता को लोग साथ में ही देखना पसंद करते हैं। ज्यादातर शो में दोनों को एक साथ ही बुलाया जाता, उसके बावजूद पवनदीप को बुलाया गया और अरुणिता को नहीं बुलाया गया। ये पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी इस साल के सीजन में पवनदीप को बुलाया गया, अरुणिता को तब भी नहीं बुलाया गया था। और फिर से पवनदीप को बुलाया जा रहा है, अरुणिता को नहीं बुलाया जा रहा है। ऐसे में लोग कमेंट कर रहे हैं क्या अरुणिता सुपरस्टार सिंगर नहीं है, क्या अरुणिता सक्सेस सिंगर नहीं है। आप इस बारे में क्या कहेंगे? अरुणिता के साथ बार बार मेकर्स ऐसा गंदा बर्ताव क्यों कर रहे हैं? शो में पवनदीप बाकी कंटेस्टेंट और सिंगर्स के साथ मस्ती कर रहे हैं। इंडियन आइडल के मंच पर न्यू ईयर के मौके पर ये पार्टी रखी जा रही है जिसमें कई सारे सिंगर्स भी नजर आएंगे, लेकिन अरुणिता कांचीलाल को नहीं बुलाया जा रहा है। न्यू ईयर पर पवनदीप इंडियन आइडल के मंच पर धमाल मचाने आ रहे हैं और इनके साथ राहुल वैद्य और धोनी भानुशाली जैसे सिंगर्स भी दिखाई देंगे, लेकिन अरुणिता कहीं भी नहीं दिखेंगी। ये जानकर फैंस बहुत निराश हैं और तरह तरह के कमेंट्स भी कर रहे हैं और सवाल भी पूछ रहे हैं कि क्या अरुणिता सक्सेस सिंगर नहीं है। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।